अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल मज़े में होंगे, ठीक होंगे। तो जैसे कि आपका भाई एक न्यू व्लॉग आपके लिए लेके आया है, वो मैं बना रहा हूँ आज एक न्यू व्लॉग। तो उसमें मैं और मेरा बड़ा भाई बैठे हुए थे फार्म हाउस पे। तो हमने सोचा क्यों ना हम जहाँ रोज़ आते हैं और हमारे जहाँ ज़मीनें हैं, हमारे जहाँ जानवर रखे हुए हैं, तो वो जगह आप लोगों को घुमाई जाइए। क्यों भाई जान, सही कहा गलत कहा? भाई बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा फार्म हाउस है, या हमारी बैठक आप कह सकते हैं। और इस जगह हमारे जानवर हैं, भैंसें वगैरह रखी हुई हमने। और ये जो जगह है ना, ये ज़मीन है। तो ज़मीन के बारे में भाई आपको बताएंगे। भाई बताएं आप, भाई ये इस क्या वक्त लगाया जो हुआ? ना चावल का फसल लगाया है। अभी चावल की सीजन है, तकरीबन यूं समझो कि एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। सही, और उसके हवाले से आपको हमने ड्राफिक दी है। तो हमारे दोस्तों को बताएं कि हमारी ज़मीन यहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो मैं बताऊँ, यहाँ से लेके अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाँ तक आपकी वीडियो पहुँच रहा है, वहाँ तक तकरीबन 150 एकड़ हमारी तक ज़मीन है। यहाँ पर है। यहाँ पर 150 एकड़ का है फार्म। अच्छा, तो दूसरी जगह भी है, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन है, लेकिन आज मैं आपको ये जगह घुमा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे हमने चावल लगाए हुए हैं फसल, और इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा तकरीबन कितने दिनों में? ये तकरीबन लेट फसल लगाई है ना। अच्छा, हाँ ये तो लेट, अभी जो तैयार फसल है वो आगे है। ये कितने दिनों में बन जाएगा, ये तैयार हो जाएगा? तकरीबन 1 महीना लगेगा इसको। अभी ये यूं समझो तैयार होने में इसको 1 महीना लगेगा। चले चले, अब हम चलते हैं कौन सी तरफ, भैंसों की तरफ चलें? हाँ चले इसको सिंधी में कहते हैं ना वाड़ा, वाड़ा। वाड़े की तरफ चलते हैं। सही भाईजान, ये आपने चीज़ देखी है, कितनी खूबसूरत तरीके ने परिंदों ने ये अपना ये परिंदों बनाया। के घोंसले हैं। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत तरीकों से इन्होंने बनाए। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। भाईजान, आपने इसके बारे में तो नहीं बताई, क्या चीज़ है दोस्तों, वो बताए। भाई मैंने बताया कि ये झील है सही, और इसमें हमने जो ना अपने खाने के हिसाब से जो ना मछली रखी हुई है। तो जब भी दिल करे तो अपनी हाँ जब मछली आप भी पकड़ दिल कर करे तो मछली जो ना पकड़ लेते जी, हैं। ये यहाँ से लेके वो आगे तक ये जा रही है जी, छोटी सी। और चले आगे आए, और ये है हमारा भैंसों का, जहाँ भैंसें बांधते हैं, ये उनमें खाना, और ये जो घास हल हल होती कहते है, हैं ना इसमें जमीनों में ये जो। पूरी एग्रीकल्चर का जो सामान यूज होता है ये वो है। और अब आगे चलते हैं, आगे हमारी भैंसें भी हैं, ये सामने चारा है भैंसों ये इनके लिए रखा हुआ है, ये का। खाती हैं। तो भाईजान आप बताएं, हमारे पास भैंसें भाई भैंसें तो हमने सिर्फ अपने खालिस दूध के लिए रखी हुई है। सही, कि प्योर मिल्क पी सके हम। हाँ बस खालिस दूध जो है ना इसलिए जो है ना रखी हुई है भैंसें। सही, और जो मिसाल तौर पे अगर दूध जो जिसका खत्म हो जाता है सही, उसको बेचकर फिर दोबारा जो है ना दूध वाले भैंसे खरीद लेते हैं। सही तो सही अब्बू है ना वो बेचने भी नहीं देता, वो सही कहता है नहीं रहने दो उसको, सही बात है, उनका शौक है। शौक है इस वजह से। तो तो यहाँ पे सिर्फ खाने की जो है ना खालिस दूध जो है ना जी, इस वजह से पाली है। मना इनकी टेक केयर करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। इसको हाँ, संभालना बहुत मुश्किल इनके है। ही भी हमने एक दो मुलाजिम रखे हुए हैं। भाई दोस्तों को आपने नहीं बताया कि वालिद साहब का और कौन सा एक बहुत ही खूबसूरत शौक है, वाल साहब का तो माशाल्लाह घोड़ों का बहुत हॉर्स का बहुत शौक है शौक उनका। है। बिल्कुल, तो हम दोस्तों को घुमाएंगे या दिखाएंगे भी सही। हाँ दिखाएंगे भी, नस्ल वाले घोड़े हैं सही, उसको, तो घोड़ों का बहुत शौक है। दोस्तों ये हमारी बैठक है, यहाँ सब देखें आप, सब बैठे हुए हैं, अब चलते यहाँ हैं। पे पगारदार बैठे हुए हैं, कोई सही, मुलाजिम बैठा है, सब मुलाजिम बैठे हुए हैं। सही, वो चचा बैठा है जो घोड़ों को संभालता है। हाँ, मेन स्टोरी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। दौलत खान हलिया, दोस्तों ये हमारा मुलाजिम है, बल्कि मुलाजिम नहीं यूं समझो अपना हाँ बड़ा चाचा अपना है। बड़ा चाचा ये है हमारा। तो इनको इनने जो दौलत खान ने जो सर्विस हमारे पास दी है, तकरीबन इनको कोई 17 और 18 18-19 साल हुए हैं। 19 साल हुए होंगे ये हमारे पास है। और ये हम ये तब से हॉर्स की टेक केयर ही करता है, और ये मेरे वाले साहब के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शौक है घोड़ों का। तो मैं आपको सबसे पहले ये को अपने हॉर्स दिखाऊं, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलें सब।
तो दौलत खान बेखबर चालन खुशा चाचा जान हाँ तहाँ का मां सिंधी में गलाइंद छो तक उर्दू अस वगैरह घट इंदी तो हाँ अस घोड़े के नस्ल के बारे में बुधा जी कड़ो नस्ल खाराई नस्ल जाबलू नस्ल जी 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 नौ पंज साल मतलब पंजन सालन जो है जी जी उनके माना मतलब उनके जमार जेके एज जेके पंज अच्छा नालो चाहे नालो बुदा दोस्तन के माश धारेल धारेल सिंधी कल्चर का नाम है धारेल सही हाँ हिन हिन जो बुदा भाई सदा गुलाब जो होले नालो सदा गुलाब जमार अच्छे साल अच्छा ना फर्रा ये ना मेहनत मेहनत थी ठंडो अच्छा ये अभी जो ना बच्चा है इसकी उम्र कम है और इसकी उम्र 5 साल है ना। अच्छा तो मां तांगे वाली सिंधी में भी गलाया तो अच्छा तो हने जो जो त खातो खुराक दिंदा हो ना वो केड़ी दिंदा हो सही ने के पेरे ते असा जे पजे ने लागे खादी दिंदा हूं वो बाजार दिंदा हूं चढ़ा खारे नहीं बाबा नाले साथ कर दिंदा हूं गड़न के गे दिंदा हूं देसी गे देसी गे सिंधी दिंदा हूं ये खुराक दिंदा हूं अच्छा तो गा खारे ना हूं। अच्छा वो जो वो जो को आए उन जो नालो बुदा चाहे उनके रे दिलवर जानी दिलवर जानी सही वो इनकी घणी उम्र है वो हमारे नौ जान हाण से अच्छा माने 5 8 साल आई जो छा नसल है ये नसल सिंधी घोड़ो सिंधी घोड़ो सही अच्छा हने जो नसल छा हने जो ये सिंधी खाराई बिसरा बिसरा अच्छा तो घोड़न जी की मसूबियो की था एक बार कंदा की कंदा था सारे बुधायो तो के घोड़न के खाता खारा नहीं पर तरी कनाई संजर कनाई खरकला दाई अस्तन दाई मेल कहीं कनाई